राम राम जी, कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज जो है आप लोगों के सामने जो है एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप पूरे अंत तक जो है इस वीडियो को वॉच करेंगे, पूरे अंत तक जो इस वीडियो को देखेंगे ताकि जो है आपका एडमिशन जो है हो सके। तो यहाँ जो है आप लोग थंबनेल देखकर जो है आए होंगे कि प्राइवेट कॉलेज का जो है अब इतने मार्क्स पर होगा एडमिशन। कितना मार्क्स चाहिए आपको एडमिशन लेंगे? क्या 39 नंबर पे आपका एडमिशन हो जाएगा, या आपका 42 नंबर पे एडमिशन होगा, या 45 नंबर पे एडमिशन होगा, या आपका 47 नंबर पे एडमिशन होगा, या 50 नंबर, या 55 नंबर? ये सभी अनसेव्ड है या नहीं है, इसके बारे में जो है हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन की वीडियोस जो होगी वो आपके पास पहुंचेगी और डायरेक्ट जो है आप मेरी क्लास में शामिल हो जाएंगे। वैसे जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरी क्लास जो है डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए 7 बजे से जो है एवरीडे क्लासेस चलती है, तो 7 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, और 8 बजे जो है मैथ रीजनिंग की क्लास चलती है, तो आप सभी लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं। चलते हैं हम वीडियो की और वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम कि आप लोगों का टोटल कंफ्यूज जो है मैं दूर करने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि बार बार कमेंट से जो है मैं भी थोड़ा सा परेशान हो चुका हूँ कि सर मेरा जो है इतना नंबर है एडमिशन होगा कि नहीं। आप लोग जो है आप सभी लोग जानते होंगे कि आपका एग्जाम कितने मार्क्स में हुआ है, तो 120 नंबर का हुआ है। 120 का जो है आप सबसे पहले क्या करेंगे कि परसेंटेज निकालें। अगर आपका 50% से ऊपर है, 50% से क्या है ऊपर अगर आपका मार्क्स आता है, तो आपका आसानी से जो है एडमिशन हो जाएगा। 50% 120 का 50% जो है आपको देखना है कि कितना नंबर है। अगर 50% है आपका, तो एडमिशन जो है आपका आसानी से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि सबसे पहले देखेंगे कि टोटल स्टूडेंट जो है इस बार 2024 के इंट्रेंस एग्जाम में कितने दिए थे, 6.5 लाख टोटल स्टूडेंट कितने थे, 6.5 लाख। और जो है एग्जाम में जो है एग्जाम अटेंड कितने किए थे, तो 6 लाख। यानी कि यहाँ जो है टोटल स्टूडेंट जो है क्या किए थे कि फॉर्म को भरे थे, क्या किए थे, फॉर्म को भरे थे। और जो है एग्जाम जो है कितने बच्चे ने दिया था, एग्जाम में कितने बच्चे ने दिया था, तो 6 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया था। और वह बच्चा कितना पास हुआ है, तो 5 लाख बच्चे पास हुए हैं। अब सोचिए कि बिहार के पास, बिहार गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को दोनों को मिलाकर जो है लगभग जो है 30,000 सीट है। कितना हजार सीट है, 30,000 मात्र सीट है, और 30,000 सीट पे जो है 5 लाख का जो है एडमिशन होना है। तो बताइए कि 5 लाख का एडमिशन हो पाएगा, ये संभव है? तो बहुत बच्चे जो है पास आउट है, लेकिन जो है 50% ऊपर की कैटेगरिया को पार नहीं कर रहे हैं। तो 50% ऊपर अगर कैटेगरी आप पार करते हैं, तो संभवतः जो है आपका एडमिशन हो सकता है, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हो कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो है इस बार एडमिशन हुआ है 82 नंबर, 83 नंबर, 84 नंबर और 85 नंबर। लगभग जो है इसी नंबर का बच्चे का जो है एडमिशन हुआ। कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में बच्चे बता रहे हैं कि सर मेरे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में जो है सर 60 नंबर पे हो गया। हाँ हो सकता है, हो सकता है, लेकिन संभवतः जो है कोई कोई ऐसे जिले में जो है 60 नंबर और 75 नंबर और 70 नंबर पे एडमिशन हुआ है, लेकिन बहुत सारे वैसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे जो है 85 वाले नंबर का में एडमिशन हुआ है, और 85 नंबर लाने के बाद भी कहीं एडमिशन नहीं हुआ है। ऐसा भी सिचुएशन हमें देखने को मिला है गवर्नमेंट कॉलेज का। अब जो है मुख्य बात हो रही है कि हमारा प्राइवेट कॉलेज में जो है एडमिशन का प्रोसेस जो है, तो आप जानते हैं कि 120 आप एग्जाम दिए, 120 नंबर का टोटल नंबर जो है आप मानते हैं कि ला रहे हैं, मान लीजिए 50 नंबर का जो है हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, 1 0 से 1 0 1 0 से 12 5 कितना 60। यानी कि जो है 60% का अगर 50 अगर नंबर आप लाते हैं, तब आप जाकर जो है 60% का हकदार है। तो संभवतः जो है आपका एडमिशन होगा कितने नंबर पे, 50 नंबर पे। वह जो है एडमिशन कब होगा, तो थर्ड लिस्ट में हो जाए या आपका स्पोर्ट राउंड से हो जाए, लेकिन होने की संभावनाएं जो है दिख रही है। लेकिन यह मत बोलिए कि सर आपने बोला है 50 नंबर पे एडमिशन हो गया। कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने कट ऑफ जाने वाले हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट के, समझे? तो इस चीज को जो है आप जानिएगा। देखेंगे यहाँ पे हम थोड़े से देखेंगे, यहाँ जो हम आप लोगों से बात की है कि टोटल जो है सीट कितना है,
तो टोटल सीट जो है हमारा कितना है, 30,000 टोटल सीट है। तो 30,000 सीट पे जो है हम लोग क्या करेंगे, वहां कैटेगरी चला जाता है किसमें, साइंस स्ट्रीम में, आर्ट्स में और किसमें, कॉमर्स में। आप सभी बच्चे जानते होंगे कि साइंस का जो है हाई कट ऑफ जाता है, हाई कट ऑफ जो है किसका जाता है, साइंस का जाता है। सबसे ज्यादा अगर कट ऑफ की बात किया जाए तो साइंस वाले बच्चे का कट ऑफ जाता है। उससे थोड़ा कम जो है आपका किसमें आएगा कि थोड़ा सा नॉर्मल जो है आपका किसमें आएगा तो आर्ट्स में आएगा। अब सबसे लो लो अगर बात किया जाए, लो कट ऑफ किसका होता है तो कॉमर्स का होता है। तो जो साइंस वाले बच्चे हमारे बिहार में जो है अत्यधिक है, क्योंकि सेकंड डिवीजन वाले भी साइंस लेकर पढ़ते हैं, थर्ड डिवीजन वाले भी साइंस लेकर पढ़ते हैं, और जो टेंथ में 85% 80% 90% लाते हैं वो भी साइंस लेकर पढ़ते हैं। तो इसलिए जो है इसका रेशियो जो है अधिक है और आर्ट्स का रेशियो जो है थोड़ा कम है, और जो है कॉमर्स का तो बिल्कुल ही हमारे बिहार में लो है, क्योंकि यहाँ कॉमर्स के स्टूडेंट कम ही मिलते हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा सा कटअप जो है हाई जाएगा साइंस स्ट्रीम वाले के लिए, इस चीज को याद रखेंगे। वही जनरल कैटेगरी की बात करें, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी, तो अगर जो है हमारा संभवतः जो है अगर कटअप की बात किया जाए तो यहाँ जो है हम मान लेते हैं 75 से 70 के बीच में जो है फर्स्ट कटअप जनरल का जाएगा, जनरल का 75 से 70 के बीच में कटअप जाएगा। वही हम बात करें तो 70 से 65 जो है इसमें जाएगा और 65 से जो है 60 इसमें जाएगा। अब जो है यहाँ बात हो रही ईबीसी एससी और एसटी की, तो वो भी जो है सेम ही हो सकता है, 60 से 65 हो सकता है इसका भी, और एससी एसटी का लगभग जो है 55 से 60 जाने की उम्मीद है, 55 से 60 जाने की जो है उम्मीद दिख रही है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। लेकिन जो है यहाँ जनरल कैटेगरी के लिए दोबारा सा हाई कटअप जाएगा और जो है ईडब्ल्यूएस के हाई जाएगा और बीसी और ईबीसी के भी जो है हाई परसेंटेज देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट लिस्ट में वही बच्चे का एडमिशन होगा जो 70 और 65 के बीच में होगा, 70 और 65 के बीच में जिस बच्चे का नंबर होगा वह जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो है उसका एडमिशन होने का संभावना जो है दिख रहा है, अन्यथा जो है दिखने की अभी जो है फर्स्ट लिस्ट में उम्मीद नहीं है। तो आप सभी लोग जो है बिल्कुल धैर्य बनाकर रहेंगे, शांति बनाकर रखेंगे। फर्स्ट लिस्ट जो है आपका जो है कब जारी किया जाएगा, तो 20/9/2024 के बाद किसी भी दिन जो है जारी हो सकता है, किसी भी दिन जो है जारी हो सकता है, इस चीज को जानेंगे। किसी भी दिन जो है 20 के बाद जो है जारी होने की संभावनाएं दिख रही है। तो आप लोग यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।